तो हम लोग का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज बताते हैं मनी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब मनी का इवोल्यूशन हुआ था, यानी मनी के खोज से पहले है ना, होता था बार्टर सिस्टम। मनी के से पहले क्या होता था, जब तक मनी नहीं था उससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विस के बदला में आपको गुड्स एंड सर्विस ही देना पड़ता था। यानी कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए कोई दूसरा सामान देते थे, है ना। तो ये क्या कहलाया, बार्टर सिस्टम। बस समझे, यानी कि कुछ भी चीज अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, चूंकि पहले मनी था नहीं है ना, तो उससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देना, इसी को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे, डिफिकल्टीज। तो क्या क्या डिफिकल्टीज आए बार्टर सिस्टम में, अगर डिफिकल्टीज की बात देखते हैं, तो सबसे पहला डिफिकल्टीज आया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर ए सी के पास गया गेहूं लेने के लिए, है ना, उसी समय में डी भी चला गया सी के पास गेहूं लेने के लिए, तो इन दोनों का वांट्स कोइंसिडेंस हो गया, तो प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, यानी किसी भी चीज के लिए एक एक्सेप्टेबल वो नहीं था। यानी कि कोई क्या करता था, 10 घोड़े के बदले में 10 केजी गेहूं, और कोई वहीं पर क्या करता था, 10 गेहूं में क्या कहते, एक हाथी। तो कोई कॉमन मेजर नहीं हो पाया, जो कहां पर किसके लिए बदले क्या किया जाए ये नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर गुड्स और सर्विस तो इसी तरीके से एक्सचेंज हुआ करते थे, तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं था। इनविजिबिलिटी, इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स का अपना कोई पहचान नहीं था, वो एक दूसरे के बदले मापा जाता था, जो ये इतना चीज देंगे तो ये इसके बदले इतना आएगा। ठीक है, फिर क्या डिफिकल्टीज इन स्टोरिंग गुड्स। अब जैसे कि गुड्स को स्टोर नहीं किया जा सकता था, जैसे कि ये गेहूं चावल, ये आलू प्याज, इसको एक लंबे समय तक आपने नहीं रख सकते हैं, तो ये स्टोरिंग वैल्यू नहीं था। फिर डिफॉल्ट पेमेंट, यानी कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था जो फ्यूचर में पेमेंट कर सके। ठीक है, जैसे कि अभी क्या है, किसी से सामान लीजिए तो मनी में ऐसा है ना, जो आज नहीं देंगे पैसा तो अगले दिन क्या करते हैं, चलो इतना रुपया हम दे देंगे, तो डिफॉल्ट पेमेंट है, लेकिन ये बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। तो ये सब डिफिकल्टीज आए, तो ये सब जो डिफिकल्टीज आया, तो इसी सबको दूर करने के लिए मनी का इवोल्यूशन किया गया। तो मनी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, यानी इवोल्यूशन ऑफ मनी अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम, इसी के बाद आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब क्या हो गया, जो कोई गुड्स को, कुछ गुड्स को क्या क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया, है ना, जिसके सहायता से ही सब कुछ एक्सचेंज होगा। जैसे कि पहले होता था पत्थर, है ना, ये फिर क्या कहते हैं, आप लोग तो वो सब चीज नहीं देखे हैं, जैसे कि नदी और में होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स। स्नेल्स देखें आप लोग, स्नेल्स है ना, जिससे चूना भी बनता है, तो वो स्नेल्स का यूज किया जाता था गुड्स एक्सचेंज करने में, बस समझे। ये स्टोन्स का यूज किया जाता था, ठीक है, उसके बाद और यानी कि उस अगर यानी कि कौड़ी, जानते हैं आप लोग, घर हर एक घर में होगा कौड़ी होगा, है ना, वो कौड़ी के बदले हम लोग यूज करते थे एक्सचेंज करने, ठीक है, तो वो सब कमोडिटी का वहां पर। बाद में जैसे जैसे हुआ, तो जैसे कि हम लोग गोल्ड सिल्वर कॉपर इन सब का यूज करने लगे, इतना कॉपर कोई देगा तो इसके बदले ये सामान मिलेगा, इसके बदले ये, यानी कि जैसे आज मनी है उसी तरह से कॉपर का यूज करते। बाद में धीरे धीरे आ गया पेपर मनी, पेपर मनी जान ही रही आज हम लोग, और फिर बैंक मनी। बैंक मनी का मतलब ये क्रेडिट मनी, बैंक मनी का मतलब यहाँ पर क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी है ना, यानी कि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप जाकर के ले लीजिए, बैंक आपके बदले उसको पेमेंट कर देता है, बाद में आप इसको पेमेंट करते हैं, यही होता है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर अगर मनी का डेफिनेशन देखते हैं अगर हम लोग, तो मनी के डेफिनेशन में क्या कहता है, एक है प्रोफेसर वॉकर, है ना, प्रोफेसर वॉकर का क्या कहना है, जो मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का काम करता है, रुपया वो है जो रुपये का काम करता है। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का काम करता है। मनी का काम क्या, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
तो जो ये काम करता है उसी को मनी कहते हैं। ठीक है, इसी बात को प्रोथर एक दूसरे हैं, जो प्रोथर ने क्या कहा, जो एनीथिंग कोई भी चीज दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल है एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के लिए। तो ये रुपया जो है आज के डेट में वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है ना, इसके बदले आप कुछ भी चीज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यही बात हुआ। एंड एट द सेम टाइम उसी समय में एक्स एज ए मेजर एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ये उसका वैल्यू भी लगाता है, उसको मेजर भी करता है। जैसे कि हम लोग किसी से काम करवाते हैं सर्विस लिए, तो मेजर करते हैं जो उसका सर्विस कितने का है, मैं समझ में आया, तो मेजर भी करता है। कोई सामान ही किसी से खरीदे तो कितने का सामान खरीदे हैं ये मेजर करता है ना। ठीक है, तो ये मेजर भी करना और उसका स्टोर भी करना, यानी कि वैल्यू भी इसका स्टोर किया जाता है। तो ये बताए कौन, क्रोथर। ये दो डेफिनेशन देखिए हम लोग। अब अगर देखते हैं हम लोग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो जितना रुपया किसी भी कंट्री में इन सर्कुलेशन में है, जितना सा रुपया क्या है किसी भी कंट्री में इन सर्कुलेशन में है, कहने का मतलब कुछ पैसा इन सर्कुलेशन का मतलब होता है जो कुछ पैसा हाउस होल्ड के पास है ना, उसको जो भी सैलरी आता है उसके पास जो भी सैलरी आता है, ठीक है, उसका वो अपने तरीके तरीके से मार्केट में यूज करता है ना, यानी कि जो हाउस होल्ड के पास है, फर्म यानी कि इंडस्ट्री के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल नहीं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास जो पैसा, यही सब लोग घूमते रहता है। अब हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड जाकर किसी, जैसे मुथूट फाइनेंस में दिए वहां से पैसा आया, हम अपने यहाँ किसी का काम करवा रहे हैं तो उसको पैसा दिए, ये सर्कुलेशन है कि नहीं है। आप पढ़ रहे हैं आप हमको पैसा दीजिए फिर हमको खाने के लिए किसी समय चाहिए हम ये पैसा दूसरे, ये सर्कुलेशन में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये किसी भी कंट्री में जो ये मनी सर्कुलेशन में है ना, उसी वही टोटल यानी कितना टोटल है जो सर्कुलेशन में है उसी को बोलते हैं हम लोग मनी सप्लाई। बात समझ में आया, मनी सप्लाई कहता है, मनी सप्लाई यानी द मनी सप्लाई ऑफ ए कंट्री एट द पॉइंट ऑफ टाइम इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, है ना। यहाँ पर जो इन सर्कुलेशन का मतलब क्या, जो पब्लिक के पास जो है, तो पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या, पब्लिक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाउस होल्ड, पब्लिक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फर्म, पब्लिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, ये सब जो कि वर्क करता है। लेकिन इसमें दो को नहीं रखेंगे, किसको, तो जो सप्लायर ऑफ मनी है, तो सप्लायर ऑफ मनी कौन है, आरबीआई, आरबीआई ने सप्लाई करता है, तो उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा कौन, तो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का जो पैसा, तो हम लोग कैश और बैंक एक ही समझते हैं ना, तो अब अगर जितना कैश हमारे हाथ में है, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 50 रुपया पॉकेट में है, तो 5 लाख रुपया बैंक में जमा करने, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कितना है, 5 लाख 50। अब अगर हम लोग इसको भी गिने और बैंक वाला भी गिन ले तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए क्या करता है, कमर्शियल बैंक के पास जो रुपया है स्टॉक में वो और आरबीआई, ये दोनों का के पास जो रुपया है इन दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाद बाकी यानी कि कमर्शियल बैंक और आरबीआई के पास जो भी उसको छोड़ करके और जितने भी के पास सर्कुलेशन में है उन सभी का टोटल निकाल लीजिए, वही एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मनी सप्लाई कहलाता है। क्लियर। अब अगर इसके डेफिनेशन को अगर देखते हैं हम लोग, मनी के डेफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं, तो दो तरीके से दिया गया है, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है ना। ट्रेडिशनल डेफिनेशन में ये जो रखा गया वो सिर्फ करेंसी को, वो सिर्फ किसको रखा गया है, करेंसी का मतलब समझते हैं, वो नोट्स कॉइन्स और पेपर मनी, इसका मतलब क्या, नोट्स एंड पेपर मनी, है ना, यानी कि कॉइन्स एंड पेपर मनी ये होता है ना, करेंसी का मतलब ये। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो बैंक में पैसा हम लोग जमा करके रखे हैं, तो जब कोई भी उसको डिमांड करे तो हमको पैसा दे देगा, यानी कि अमाउंट डिपॉजिटेड विथ बैंक दैट इज पेबल ऑन डिमांड, अमाउंट डिपॉजिटेड विथ बैंक बाय द पब्लिक विच इज पेबल ऑन द डिमांड, यानी कि जो कुछ भी पैसा व्यक्ति बैंक में जमा करके रखा है वो जब उस बैंक को डिमांड करेगा तो बैंक उसको दे देगा, तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये दोनों का मतलब होता है मनी, ठीक। लेकिन मॉडर्न के डेट में मनी का मतलब होता है करेंसी, तो करेंसी समझते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट भी करता है, टाइम डिपॉजिट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट को हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं, यानी जो एक लंबे समय के लिए जमा कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है मॉडर्न, इसी को
आगे अगर हम लोग देखते हैं मनी सप्लाई इन इंडिया बाय आरबीआई, यानी कि अगर ये हम लोग इंडिया की बात करें जो कितना मनी सप्लाई है, तो इंडिया में आरबीआई ने कंसेप्ट जो दिया है मनी सप्लाई का, वो कंसेप्ट है M1, M2, M3 और M4 का। ये कंसेप्ट है, ठीक है, M1, M2, M3 और M4 का। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको M1 पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो M1 का मतलब ये क्या कहता है, सी यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जितना इन सर्कुलेशन में है हाउस होल्ड इज दैट इस सबके पास जो करेंसी है वो, प्लस डीडी डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, प्लस ओडी यानी अदर डिपॉजिट, ठीक है। अदर डिपॉजिट में यहाँ पर की अगर बात करें तो जैसे कि क्या होता है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ये दोनों करेंट अकाउंट में जो पैसा जमा किया है पब्लिक वो भी, और सेविंग अकाउंट में भी जो जमा किया है वो भी, यहाँ पर वो भी आ जाता है, यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहले नहीं चलता था लेकिन अब ये मॉडर्न जो आ गया है, तो मॉडर्न में ओडी इसलिए नाम दे दिया गया है, जो करेंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है पब्लिक का पैसा वो भी, और सेविंग में जो भी डिपॉजिट है वो भी। अब इस सेविंग को पहले एक्सक्लूड कर दिया था, उसका रीजन क्या था, जो सेविंग पर क्या होता था, एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है, जो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका पैसा जब उसमें जाए, जैसे एटीएम में देख लीजिए, बैंक में बहुत ज्यादा पैसा है आपका, लेकिन लिमिट है ना, एक दिन में आप इतना यूज कर सकते हैं, तो सर्कुलेशन में तो नहीं हुआ फुल मनी, हम लोग मनी सप्लाई यानी इसका मतलब क्या, जो सर्कुलेशन में है, बात समझ में आया। तो वही बात होता था सेविंग अकाउंट पर भी होता है, जो आपकी का पैसा बैंक में जमा है लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप बैंक से निकाल नहीं सकते, तो पहले इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, लेकिन मॉडर्न जो अभी यानी आरबीआई ने जो ये कंसेप्ट दिया है वो बताया जो नहीं, ये भी चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये इसके बाद कहते हैं मनी रिप्रेजेंट्स परचेजिंग पावर, मनी रिप्रेजेंट्स परचेजिंग पावर यानी ये बताते हैं हमको इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को, यानी कि अगर रुपये का वैल्यू घट जाता है तो ये इन्फ्लेशन को बताता है, रुपये का वैल्यू क्या होना, घट जाना, इसको बताते हैं इन्फ्लेशन, और रुपये का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन, है ना। कहने का मतलब ये बात हो गया, इन्फ्लेशन का मतलब ये चीज हो गया, जैसे कि अभी मान लीजिए दूध जो है वो 40 रुपये में मिलता है, तो 40 रुपये यानी कि 10 रुपये का 4 नोट देंगे तो उसमें इतना पावर इतना ताकत है जो किसी के दुकान पर जाएगा तो 1 लीटर दूध लेकर के आ जाएगा, है ना। लेकिन अब देख रहे हैं जो नहीं, वो 40 रुपया जो जा रहा है उससे नहीं आ रहा है, 50 रुपया देना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स मनी का वैल्यू बढ़ा कि घटा, घट गया, मनी का वैल्यू घट गया, नहीं समझे पर। जैसे कि अब इस बात को समझ, जैसे आप अकेले जाते थे तो कोई चीज उठा करके लेकर के चले आए, जैसे कि ये टेबल उठा तो आप अकेले और लेकर चले गए, आज आए हैं आपसे अकेले नहीं उठ रहा है, किसी एक दूसरे को भी बुलाना पड़ा, तो आपका जो पावर है वो घटा कि बढ़ा, घट गया ना। तो यही बात है, 40 रुपये में पहले इतना ताकत था जो उसको ले आता था, आज वो 40 रुपये में ताकत नहीं है, 50 रुपया लगाना पड़ता है, तो उसका पावर घट गया ना। तो ये बताता है इन्फ्लेशन, यानी कि अब 40 के बदले 50 देना पड़ रहा है, इसको बताते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन को, यानी परचेजिंग पावर घट गया उसका, है ना। यानी कि जब मनी का परचेजिंग पावर, यानी कि रिप्रेजेंट का परचेजिंग पावर मतलब, यानी कि मनी का जब परचेजिंग पावर घट जाए तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसी का जस्ट उल्टा जब बढ़ जाए तो वो डिफ्लेशन, ठीक है। यही इतना ही आपके सिलेबस में है मनी के बारे में, ये सब चीज जो फंक्शंस ऑफ मनी पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी पढ़िएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बट बुक है दे दिया है तो हम इस पर लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही सारा चीज है, मनी के बारे में इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक। तो अब फंक्शंस ऑफ मनी, तो फंक्शंस ऑफ मनी में मनी का मेनली दो तरीके का फंक्शंस होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में यानी कि मनी का सबसे जो बेसिक काम है वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी को पैसा देकर कुछ भी चीज उसके बदले लेना, या गुड्स या सर्विस, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि किसी से जो काम करवा ले, तो कितने का आप काम करवाए, कितने का सर्विस लिए, कितने का गुड्स लिए, उसका मेजरिंग करना। तो ये दोनों क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद सेकेंडरी में होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर गुड्स में, यानी बार्टर सिस्टम में ये सब चीज नहीं हुआ करता था, आज क्या है, ट्रांसफर ऑफ मनी, दैट मीन्स हमने इससे कुछ सामान लिया और आपको दिया, तो आपको क्या करना, आप डायरेक्ट उसी को पेमेंट कर दीजिए ना, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। तो ये हो गया क्या, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू भी स्टोर किया जाता है इसका, और फिर स्टैंडर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि ये मनी जो है जिसका यूज हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट, ठीक, डिले इन पेमेंट,
इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मनी करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में होता है जैसे कि एक्चुअल मनी एंड मनी अकाउंट। एक्चुअल मनी का मतलब हम लोग जो करेंसी है जो देख रहे हैं वो। मनी अकाउंट का मतलब क्या, किसी भी कंट्री में मनी किस चीज में रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे इंडिया में रूपी, रुपया में हम लोग लेते हैं ना, यूएसए में डॉलर है ना, यूके में डॉलर, सॉरी यूरो, वहां पर पाउंड होता है ये चीज। तो इसको बोलते हैं मनी अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, यानी जिस इकोनॉमी में जिस चीज में वो ट्रांजेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं मनी अकाउंट। तो एक्चुअल मनी और मनी अकाउंट, ठीक है। इसके बाद मनी एंड नियर मनी। मनी का मतलब जो हाईली लिक्विडिटी है। मनी का मतलब क्या, जिसमें हाईली लिक्विडिटी, जैसे कि कैश, बैंक, चेक, ये। तो ये क्या हो गया मनी। एंड नियर मनी, नियर मनी का मतलब है क्या, जो वो एक्सचेंजेबल तो है मनी के रूप में, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो आज के दिन में कैश में और गोल्ड में कोई अंतर नहीं है, जब मन चाहेंगे तब। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है, जो जितने का गोल्ड है उतना आप जाइएगा कभी तो उतना पैसा कोई दे देगा, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नियर मनी। यानी कि ऐसा चीज जो एक्सचेंजेबल है, एक्सेप्टेबल है बाय ऑल, बट एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज है ना रिडीमेबल, देर इज ए नॉमिनल लॉस, एक लॉस बियर करना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नियर मनी। जिसमें 100% लिक्विडिटी है वो मनी। फिर मेटालिक मनी एंड पेपर मनी। मेटालिक मनी मतलब जो क्वाइन सिक्का हम लोग देखते हैं मेटल में होता है वो, और पेपर मनी का तो पेपर मनी, ठीक है। अब मेटालिक मनी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी। इसका मतलब ये क्या होता है, जैसे कि पहले, अब ना ये स्टील का आता है, पहले क्या होता था सोने का, चांदी का, ब्रॉन्ज का है ना, ये सब का आता था। दैट मीन्स वो उसको तौला जाता था कि ये सोना कितने का है, वही उस कॉइन बना उतना रुपया उस पर, यानी कि जितने का वो होता था वही उस पर डिनोमिनेशन लगता था। बात समझ में, आज के डेट में तो वो नहीं, इतना सिक्का है तो उसका ऊपर डिनोमिनेशन 10 रुपया भी लगा देता है, 50 पैसा भी लगा देता है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये उस पर फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट इमरजेंसी में रुपये जारी करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग फिएट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब जो बैंक देता है, फैसिलिटी देता है पब्लिक को, ये क्रेडिट मनी। कन्वर्टेबल मनी यानी कि जिसको हम लोग लिक्विडिटी में तुरंत आसानी से कन्वर्ट कर सके, जैसे कि सोने को, तो कन्वर्टेबल। जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इनकन्वर्टेबल। तो ये दो चीज जो है तो आपके सिलेबस में नहीं है बट बुक में है, तो हम बता दें। इनकन्वर्टेबल का, इनकन्वर्टेबल का जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हम लोग, हुंडी पढ़े हैं हम लोग, वही सब चीज जनरली, ये सब चीज एक्सचेंज होता है, यानी बैंक हमसे परचेज कर लेता है, यानी इसको हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको हम लोग, ये बात होती है, ठीक है। तो ये है आपका मनी का फिएट मनी। इसका एग्जांपल क्या होगा, ये सीधा सीधा समझिए, जब इमरजेंसी आ जाता है, पैसे नहीं है उस समय में, तो गवर्नमेंट क्या करता है, तत्काल कुछ पैसा सप्लाई कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिएट मनी। इमरजेंसी के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग।